हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बापला बाटी। राजस्थान की फेमस बापला बाटी और शर्मा बाटी भी बोलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए गेहूं का आटा, एक कटोरी मकई का आटा, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच अजवाइन, एक चम्मच सौंफ। सबसे पहले एक परात में मैंने इस साइज की 3 कटोरी ये आटा लिया है, गेहूं का आटा। करीब गेहूं का आटा डाल देना है। अभी इसमें 1 कटोरी मकई का आटा डाला। अगर आपके पास मकई का आटा नहीं तो आप सूजी भी डाल सकते हो। अभी इसमें एक एक करके सो अखा धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना है फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। और अजवाइन सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आपके पास मकई का आटा नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हो। नहीं तो आप सूजी भी नहीं डालो तो भी आटा जो गेहूं का आटा ले रहे हो ना, वो थोड़ा सा ककरा होना चाहिए, मतलब मोटा होना चाहिए। अब इसमें मोइन और नमक डाल देना है। मोइन 3 चम्मच के करीब डालना है, 3 या 4 चम्मच के करीब। आप मोइन घी का या ऑयल का किसी का भी डाल सकते हो। इसमें खाने का सोडा थोड़ा सा ही डालना है। सबको अच्छे से मिक्स करके आटा लगाना है। अब थोड़ी सी हल्दी डाल दी, ज़्यादा नहीं फ्रेंड, हल्का सा कलर लाने के लिए। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेना है। इसका आटा टाइट लगाना है फ्रेंड्स, पूड़ी का आटा जो रहता है वैसा ही। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये इतना टाइट है आटा, रोटी के आटे जैसा नहीं लगाना है, इसको टाइट लगाना है आटा। अब एक कढ़ाई लेनी है या कोई भी बर्तन थोड़ा बड़े साइज का, क्योंकि बाटी को हमें बॉईल करना है, इसके अंदर कुक करना है पानी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे, मेरे पास बड़ी साइज़ की कढ़ाई थी, वो ले लिया। अब उसको आधे पानी से भर दिया है। अब इस पानी को गर्म होने के लिए रख देना है। जब तक तो पानी गर्म हो रहा है, हमें बाटिया बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा आटा लेके सारी बाटियाँ बना लेनी है, जैसे रोटी के ले लोए बनाते वैसे। इतने से आटे, 3 कटोरी आटे से 8 बाटियां आराम से मेरी बन गई। अभी से पानी भी गर्म हो गया है और इसमें सारी बाटियां डाल देनी फ्रेंड्स। पानी गर्म होने के बाद ही डालना है बाटियों को, नहीं तो फिर वो बाटियाँ एक दूसरे से चिपक जाएगी। ठंडे पानी में बाटियाँ नहीं डालनी है, पानी को अच्छा बॉईल होने दे, मतलब अच्छा गर्म होने देना है, फिर ही डालना है। अब इसे 10 मिनट तक हमें पकाना है और बीच बीच में इसे पलटते भी रहना है। तो मीडियम हाई गैस की फ्लेम हमें मीडियम हाई रखनी है। भी अच्छे से कुक हो गई है, देख सकते हो पानी में भी अच्छे से उबाल आ रहा है। थोड़ी देर के लिए और इसे कुक होने देना है, पलटते रहना है, पलट देना है एक बार और। अभी ये अच्छे से कुक हो गई है, अभी इसे निकाल लेना है। गैस की फ्लेम बंद करके, गैस को बंद करके निकाल लेना है। अभी इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। आप इसे फैन के नीचे भी रख सकते हो, बिल्कुल ठंडी होने के बाद ही इसे कट करना है। अब एक साइड मैंने एक कढ़ाई लिया, उसमें घी डाल दिया, घी तलने के लिए, बाटियों को तलने के लिए घी डाल देना है। आप ऑयल में भी तल सकते हो, पर घी में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मैंने यहाँ पर घी लिया है। अभी इन बाटियों को 4 टुकड़ों में काट लेना है।
जैसे मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपको कटिंग करनी है। 4 पीसेस में आपको कट करना है। अब थोड़े थोड़े पीसेस लेके और घी गर्म होने के बाद ही, ऑयल या घी जो भी गर्म होने के बाद ही मीडियम फ्लेम पे आपको इसे कुक होने देना है। गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसको पकाना है, गोल्डन ब्राउन होने देना है पूरा एकदम। वैसे ये अंदर से तो पूरी पकी हुई है क्योंकि इसको पानी में हमने बॉईल किया है, तो ये अच्छे से पक गई है। ऊपर का जो रहता है पोर्शन वही हमें पकाना रह मतलब कुक करना रहता है, थोड़ा क्रिस्पी करना रहता है। वे फ्रेंड्स ये सारी बाटियाँ हो गई है, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। आप इसे दाल के साथ या फिर कढ़ी के साथ, जो खट्टी कढ़ी रहती है बेसन की, उसके साथ भी खा सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।